नमस्ते, मेरा नाम नयनदीप है और आज हम टेक्सचर की बातें करेंगे। जब भी ये वर्ड टेक्सचर हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात पैटर्न को लेके आती है। हमें एक्चुअली टेक्सचर सूझता भी नहीं है, हमें पैटर्न सूझता है। पैटर्न यानी ज्योमेट्रिकली बने हुए डिजाइंस किसी भी चीज पे। तो टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर एक अलग चीज होती है। टेक्सचर मेनली वो चीज होती है जैसे आपको कोई चीज टच करने पे फील हो। टेक्सचर मेनली आपकी रिसेप्टर पे डिपेंड करता है। रिसेप्टर क्या होते हैं? हमारे 5 सेंसेस होते हैं, ईयर्स, आईज, नोज, टंग, स्किन। इन 5ों चीजों के कांटेक्ट में आने पे कोई भी चीज हमें कैसी फील होती है या कैसी दिखती है उसको टेक्सचर कहते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे ड्यूप्लेक्स थ्योरी ऑफ टेक्सचर परसेप्शन। इसको ही डिवाइड कर लेते हैं पहले वर्ड्स को और इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। ड्यूप्लेक्स यानी दो, परसेप्शन यानी नजरिया। ओके, नाउ ये जो ड्यूप्लेक्स वर्ड हम यूज कर रहे हैं ये डिपेंडेंट है हमारे रिसेप्टर्स पे, यानी दो रिसेप्टर्स। इस थ्योरी के हिसाब से हमारे मेन दो टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि काम करते हैं ये डिटरमाइन करने में कि कैसा टेक्सचर का डिजाइन होगा। इसी के बेसिस पे ड्यूप्लेक्स थ्योरी ऑफ टेक्सचर परसेप्शन में दो टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स बने हुए हैं। एक है कोर्स टेक्सचर और एक है फाइन टेक्सचर। कोर्स टेक्सचर डिपेंड करता है स्पेशल क्यू पे। स्पेशल क्यू क्या होता है? स्पेशल यानी विजुअल अटेंशन जो आपका गेन करे। सेकंड है फाइन टेक्सचर। फाइन टेक्सचर हमारे स्किन रिसेप्टर पे डिपेंड करता है, जो हमें छूने पे ही पता चलता है। और ये टेक्सचर्स होते हैं जैसे कि बेडशीट्स। बेडशीट्स कितने आपको देखने में अलग लगेंगे और टच करने में अलग लगेंगे। थैंक यू।